ये सावन फिर बरसाते ले। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग ज्योति बजवाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज है दीदी के यहाँ तीसरा दिन। तो अभी बज गए दिन के 12 और सुबह से जो काम होता है सब कर दिया। दीदी लोग गए हैं ड्यूटी और जो रूटीन है इन लोग का वही है। तो जिया जी चले गए थे सुबह ऑफिस, क्या पता जल्दी आ सकते हैं। और सुबह 5:30 बजे से उठे हैं ये लोग। मोनी लोग भी उस टाइम से ही उठे हुए हैं। और मुझे भी नींद नहीं आई थी, मैं भी ऐसे ही लेटी थी पर नींद नहीं आई मुझे भी। तो और उसके बाद दीदी ऑफिस चले गई अपना सारा काम करके, मतलब स्कूल पढ़ाने चले गई। और अभी हम मुझे भी बुलाया है वहाँ, तो मैं भी सोच रही हूँ मैं भी चले जाती हूँ, घूम आऊँगी इसी बहाने, बच्चों को भी घुमाऊँगी। फिर उसके बाद गुन्नू को का भी आज आपको दीदी का स्कूल भी दिखेगा, और जहाँ दीदी जहाँ पढ़ाती है वहाँ दिखेगा, और जहाँ गुन्नू पढ़ने जाती है वो भी आप लोग को दिखाएंगे। हाय गाइस बोलो। मोनी बड़ी एक्साइटेड है कि जाने के लिए वहाँ गुन्नू का स्कूल कह रही है। तो मैंने कहा चलो, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है, शुरुआत हो गई। तो अभी बज रहे थे, मैंने बता दिया ना 12, तो गोलू सोया हुआ है तो इसको भी लेके जाते हैं। तो चलो चलो, गेट खुला हुआ है। सुसु तो नहीं आ रही अभी तुझे? बाबरे, देखिए गाइस यहाँ पर भी इतना सारा जाम लगा हुआ है। चलो हमने यहाँ को जाना है, आ जा। मम्मी पर मुझे एलर्जी हो रही है। कैसी एलर्जी हो रही है? अरे बताओ क्यों हो रही है, मुझे बताओ क्यों। तो गाइस पहुंच गए हैं दीदी यहाँ, मैं तो पसीना पसीना हो गया। तो दिखाते हैं इनको, बात कराते हैं आपसे। बैठी हुई है यहाँ पे मोनी को, देखो ये देखते ही। बच्चों की छुट्टी हो गई है। हाय बोलो सब जने। छुट्टी हो गई है सबकी, हाय बोलो। छुट्टी हो गई मैडम जी? हाँ छुट्टी हो गई, छुट्टी हो रही है। इनकी मम्मी आएंगी तब ले जाएंगी इनको, तब बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं बच्चे। टीवी देख काम ही रहती है। वो शहर में रहती है। अपने फ्लैट का नंबर बताओ, कहाँ रहती हो वो तो बताओ, जो मैंने बताया था कौन सा टावर है बोलो। बोलो बोलो ना, बताओ मोनी। आपको जो इंग्लिश क्लास डू यू रीड? नहीं। आपको पोएम आती है? हाँ। सुनाओ तो। जेड। अच्छा ये तो ऐसी जेड वाली पोएम हो गई। आप मुझे एक अच्छी सी पोएम और सुनाओ, हिंदी की सुनाओ। वाली आती है ना तुम्हें? ये ज्योति पापा यंग यू को आ रही है। जॉनी जॉनी यस पापा वाली सुना। वो तो इंग्लिश की होगी, हिंदी की सुनाओ। सुना दे जॉनी जॉनी, सुना दे हिंदी की पोएम सुनाओ। ये आपको ऐसा क्यों कर रही है, क्या हो गया इसको? कुछ नहीं हुआ है। आलू का चलो बेटा आती है? नहीं आती है। इसको इंग्लिश की आती है शायद, हिंदी की नहीं आती है। जॉनी जॉनी सुनाओ। नहीं आती सर। बोलो, आप अपने स्कूल का नाम बोलो। स्कूल का नाम तो बता दो। बोलो। मोनिका पारा हाई होने से पहले ही उसको हटा दो। किड्स केयर पब्लिक प्ले स्कूल बोलो। प्ले स्कूल बोल दो। बोलो प्ले स्कूल। बोलो बोलो। थैंक यू, वेलकम। नहीं आप बोलो इट्स ओके। आपको टीचर बना देंगे हम यहाँ पे, पढ़ा दोगे इन बच्चों को आप? नहीं गुन्नू को तो पढ़ाती है। चलो कल डायलॉग जो बोला था वो सिखाया था गुन्नू को, वो डायलॉग सिखाया था बता दो सारे बच्चों को। वो 15 अगस्त पे हम बोलने वाले हैं ना गुन्नू स्कूल में। सुनाना बेटा, बोल दो सुनाना। बोलो मुझे खून दो वाला बता दो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बोलो जोर से, बोलो बोलो जोर से बोलो। बोलो यहाँ को देख के बोल, तुम मुझे देख के बोल।
कल गुन्नू को तो बहुत सिखा रही थी, बोलो बोल दे। गुन्नू से बड़े हैं ना, दो दिन बड़ी है। नहीं बोलना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कल तो बड़ा सिखा रही थी उसको। नहीं अभी नहीं दूंगी। तो भाई जब हम जा रहे हैं गुन्नू को मम्मी ले, दीदी भी आ गई स्कूल से। दीदी प्ले स्कूल वालों को पढ़ाती है, प्ले स्कूल में लगी है मतलब, है ना? प्ले स्कूल छोटे बच्चों को पढ़ाती है। अच्छा यहाँ देख, ये देखो यहाँ मोहल्ले गली। सब जा रहे हैं हम गुन्नू के स्कूल में। किधर? इधर को ही तो जा रही हूँ मैं। अय्या और हम जा रहे हैं गुन्नू के स्कूल। अब तुमसे मैडम ने पूछा तुम्हारा कौन सा स्कूल है, तुमने बताया ही नहीं। तुम्हें नहीं पता? ये देखो गाइस गुन्नू के स्कूल जा रहे हैं हम। ये देखो हेमोनी और दीदी। अय्या मानवी पाँव नहीं देखो गुन्नू आगे दे आगे देखो गुन्नू। ओ गुन्नू आ गई तू? आए तो बोलो, मतलब भाव नहीं दे रही है। बाप रे, तुझे गुन्नू मोनी लेने आई है? मोनी लेने आई है तो तो मोनी का हाथ नहीं, सुबह नाराज हो गई है मोनी से। क्यों पता नहीं, लगे लगे उसके पास पता नहीं क्या हो गया, सुबह से लगे थे। क्या करूं? दीदी चू गई। क्या बोलूं? नहीं खोलो, नहीं खोलो। पता नहीं क्या चल रहा गुन्नू का भी। अंदर से गई। हां कोई बात नहीं खोलो। ये गुन्नू अब चलते हैं घर को। आओ बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। अरे वो इतने धूप रही घाम में मैंने अपने बच्चे दौड़ा रखे ये। अब क्या करें, घूमना भी तो मोनी को ही है, उसको लाना है लगाई थी, मेरे तो पीछे ही पड़ी थी उसको लेने चलो। मैंने कहा चल 12 बजे जाएंगे, 12:15 बजे फिर भी निकले। वो आ रहे देखो पीछे से दौड़ लगा के। हाय तो बोलो। बोल दिया। चलो ठीक है गाइस, यहाँ पर मोनी ने गुन्नू की टेबल तोड़ दी। अब मोनी क्यों तोड़ी, अब कैसे पड़ेगी बताओ? अरे तभी पे पड़ेगी पुलिस। अच्छा अब तेरा हम इसके घर जाके इसका स्टडी टेबल ले आएंगे, ठीक है ना? दे रही है ना वो, मेरे भी तो पीछे ही पड़ गई थी सुबह से।
गाइस अभी बज गए हैं 10 का कुछ पता नहीं है, 4:30 हो गए, 4:30 हो गए। तो हम आ गए हैं हॉस्पिटल से, मतलब आज मैंने कैमरा नहीं उठाया तो मेरा अल्ट्रासाउंड भी हो गया गाइस, नहीं तो जितने बार मेरा कैमरा उठ रहा था ना उतने बार मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं उठ रहा। तो आज मैंने आज ऐसा सोचा कि मैंने आज वीडियो नहीं बनानी है, तो चलो हो गया। एक हॉस्पिटल में गए थे वहाँ नहीं हुआ था, उन्होंने दूसरे का एड्रेस दिया तो वहाँ हो गया था। और मैंने बोला था आपको कि दो बातों का क्लियर करना था, तो रिपोर्ट भी आ गई है मेरी और रिपोर्ट में सब नॉर्मल है। मैंने सोचा था या पेट में दर्द होती है तो गैस के उससे होती या पथरी के उससे होती, दोनों का इसी चीज़ का था और पथरी के उससे ज़्यादा लग रहा था मुझे, मुझे पथरी का डाउट था, पर ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल रिपोर्ट आई है। और जो लोग इधर उधर का सोच रहे होंगे ऐसा कुछ नहीं है, करा लाई मैं अल्ट्रासाउंड, मैंने कहा आज कैमरा नहीं उठाती इसीलिए, तो आगे नॉर्मल रिपोर्ट। चलो और गोलू का दूध दूध बना दिया, सोने की तैयारी है और घर की वापसी कल की है, कल को जाएंगे घर को। ऊपर क्या कुंडली मार रही है? अच्छा ऐसे धूप हो रही है बहुत ही, धूप में इधर से उधर भागा दौड़ी होगी, लेकिन हॉस्पिटल बहुत ही दूर था, दूर ही था ना। फिर बच्चे हैं भैया, सब देखना पड़ता है ना, बुक करके गए ना तो बच्चे अच्छे हैं, सब देखना पड़ता है। वो तो अच्छा हुआ मैडम ने बता दिया हॉस्पिटल ना, नहीं तो हम तो ऐसे ही चले जाते, मतलब नहीं नहीं जाते, नहीं होता। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, अभी खाना भी खा लिया हमने, मैं ना खाना बनाया था फिर आके खाया हम लोगों ने, अब सो जाते हैं।